हम जो पढ़ रहे हैं ये भारत की कुछ नदियाँ हैं, उसमें सबसे पहला नदी हमने इंडस देखा था, चेनाब देखा था, झेलम देखा है, अब रावी रावी देखा है, ब्यास देख रहे हैं। रावी में क्या था तो रावी में देख लेते हैं। रावी में क्या है, रोहतांग पास से शुरू हो रहा है, कुल्लू हिल के नाम से जगह है, पीर पंजाल और धौलाधर के एरिए को ड्रेन करता है और चंबा को पार करते ही धौलाधर को डीप कट करता है। ठीक है, डीप कट करता है, चंबा से साउथ वेस्ट ले टर्न लेता है। पंजाब में एंटर करते ही मधोपुर के पास एंटर करता है और पाकिस्तान में अमृतसर के पास। जितना भी पानी है ये रंगपुर के आसपास किस में डाल देता है, चेनाब में डाल देता है। कहाँ पे, तो रंगपुर के आसपास। रंगपुर के आसपास कहाँ डाल देता है, तो चेनाब में डाल देता है। इतना स्पीड में कहा मास्टर, मैंने इसको पहले बता दिया इसलिए स्पीड में, कि कुल्लू हिल से शुरू हो रहा है, रोहतांग पास में जा रहा है, पीर पंजाल और धौलाधर को ड्रेन कर रहा है, साउथ वेस्टर्ली चंबा से मुड़ रहा है। कहाँ से, चंबा से, धौलाधर में गोर्ज बना रहा है और मधोपुर के प्लेन से पंजाब में एंटर कर जाता है। बाद में अमृतसर के आसपास पाकिस्तान में एंटर करता है। जितना भी पानी है ये चेनाब में डाल देता है। कहाँ पे, तो रंगपुर में, पाकिस्तान पंजाब में। अच्छा, तो रंगपुर पाकिस्तान पंजाब में है? हाँ है, ये रावी था। अब हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं उसका नाम है ब्यास रिवर, ब्यास। ओके, ये भी ओरिजिनेट होता है कहाँ, तो रोहतांग पास से। मतलब रावी भी रोहतांग पास से हो रहा है, ब्यास भी रोहतांग पास से हो रहा है। मतलब RBI रवि नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों रोहतांग पास से हो रहे हैं, ये भी और ये भी। अरे ये तो अच्छा था, RBR से हो रहा है, BBR से हो रहा है, इंडस क्यों नहीं हो रही है? अरे इंडस को छोड़ो, वो तो छोड़ो। एट द हाइट ऑफ 4000 मीटर अबव सी लेवल, तो ब्यास कहाँ ओरिजिनेट होता है, रोहतांग पास से। ठीक है, ऑन द सदर एंड ऑफ द पीर पंजाल रेंज क्लोज टू द सोर्स ऑफ रावी, जहाँ से रावी शुरू होता है उसी के नज़दीक सोर्स से ब्यास भी शुरू होता है। ठीक है, और सदर्न एंड ऑफ द पीर पंजाल रेंज से, अब मान लो कि ये पीर पंजाल रेंज का यहाँ से साउथ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ब्यास और यहाँ से शुरू हो रहा है रावी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये धौलाधर रेंज को डीप गॉर्ज बनाता है। हाँ तो ठीक है, बना रहा है, क्या दिक्कत है। नाउ इट, ब्यास को बात कर रहा है कि इट क्रॉसेज द धौलाधर रेंज, यहाँ पे है धौलाधर रेंज, ये नदी इसको भी पार करती है, एंड इट टेक साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। अब ये साउथ वेस्टर्ली क्या होता है, यहाँ सेंटर मान लो, यहाँ वेस्ट मान लो और यहाँ साउथ मान लो, तो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन लेती है। ओके, मतलब ये सीधे बात है कि ऐसे जा रही थी नदी, ऐसे मुड़ जाती है। ओके, तो इट क्रॉसेज धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज को पार करता है, एंड इट टेक अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंड मीट द सतलज रिवर एट हरिके इन पंजाब। अब ये ब्यास कहाँ हरी ज्वाइन करती है सतलज को, तो हरिके के पास। ओके, सतलज रिवर को ज्वाइन करती है हरिके पंजाब में। ये हरिके नांगल केशवपुर म्यानी रेणुका ये सब, हाँ वही 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 वाला है हरिके, वही वाला हरिके, हरिके पंजाब के पास ज्वाइन करती है सतलज को। कौन सा ये, तो धौलाधर है। ओके, इसको इरेज कर दूँ क्या? हाँ कर दीजिए ना, क्या ही काम का, इसको लिखना ही है बस। चलो तो एक काम करो, इसको वीडियो को रोको और इसको पूरा नोट डाउन करो, कर लो कर लो। ब्यास ओरिजिनेट नियर द रोहतांग पास, हाइट ऑफ 4000 मीटर। ठीक है, रोहतांग पास से शुरू होती है, पीर पंजाल को पार करती है, धौलाधर को भी पार करती है, हरिके के पास सतलज को ज्वाइन करती है। इट इज़ कंपेरेटिवली अ स्मॉल रिवर। अब स्मॉल किस में बोल रहा है, लेंथ में 450 किलोमीटर के आसपास का है, इंटायरली विद इन द टेरिटरी, टोटल हमें भारत के टेरिटरी में ही लगभग मिलता है। ठीक है, सतलज, ये ब्यास, ब्यास और ब्यास जाकर कहाँ डालती है पानी, तो सतलज। तो ये कंपेरेटिवली स्मॉल है ना, ब्यास। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सतलज रिवर, तो सतलज रिवर हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, बोलिए हरे कृष्णा, हरी हरी बोल, हरी बोल हरी। ठीक है, हरे कृष्णा बोलिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, है ना, वीडियो को भी शेयर कीजिए। और अभी तक उम्मीद है कि सब्सक्राइब करती होंगे ना, ये रेड वाला सब्सक्राइब करता, नए बच्चे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देख करके गाली मत दीजिए, है ना, बहुत गाली देते हैं आप लोग के मास्टर, बोलने नहीं आता, तुम वीडियो बना रहे हो आजकल, क्या करूँ यार, गरीबी है जीवन में, बुद्धि का, बुद्धि का। ओके, नेक्स्ट सतलज नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो अभी के लिए इतना ही, हरे कृष्णा।